अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वामिक राणा, इस्लाम सेट एंड ड्रीम नेक्स्ट ग्रुप के पैनल से। व्यूअर्स, बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा क्यूरी मौजूद है। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर अपना विला कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं, और स्टाफ को पता है, जैसे कि अक्सर वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, हमारे ग्रुप के हवाले से इस्लाम स्टेट एंड ड्रीमनेक्स वो वाहिद ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त विलास के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम बहरिया टाउन के, जिसकी साइट सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल हैं और हर साइट के ऊपर डिफरेंट फेजेस के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। इसी तरह आज मैं जिस विला पर मौजूद हूँ, ये 125 स्क्वायर यार्ड का एक कॉर्नर विला है, और कॉर्नर विला के अंदर जो एक्स्ट्रा रैम का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसका इंटरनल प्लान भी डिफरेंट होता है। और एक चीज़ सबसे अहम जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से लोगों के जहन में होती है कि क्वालिटी को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, या उनकी सुपरविजन के बग़ैर हम जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटीज़ हैं उसको किस तरीके से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इसका एक सबसे बेहतरीन जो सॉल्यूशन होता है वो बहरिया टाउन के अपने जो पैरामीटर्स हैं, हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से उन पैरामीटर्स को और उनके जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हैं। उसके मुताबिक बहरिया टाउन में जो जिस विला की कंस्ट्रक्शन जिस फेज़ में भी होती है, वहाँ पर बहरिया का जो कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो उसको हर फेज़ के ऊपर उसकी निगरानी और उसकी सर्टिफिकेशन करता है। और ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके कंपाइल करके जिस वक्त एक विला कंप्लीट हो जाता है, और उस वक्त कंप्लीशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उस वक्त वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको रिक्वायर होते हैं। बेसिक इसका पर्पस यही होता है कि आपकी विला की जो कंस्ट्रक्शन है वो बहरिया के बनाए हुए रूल्स और उन्हीं पैरामीटर्स और उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे आपकी की गई है या उससे मुख्तलिफ है। तो इस वक्त मैं जिस विला पर मौजूद हूँ, ये एक कॉर्नर विला है। कॉर्नर के अंदर एक्स्ट्रा लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है या एडजस्ट किया जाता है, मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू करवाता हूँ। बहरिया के पैरामीटर्स के मुताबिक ये एक साइड गली दी जाती है, ये एक्स्ट्रा लैंड वाला विला है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसकी जो साइड गली है वो खासे बड़े साइज़ की है, और इसी तरह ये इसका बेडरूम के साथ ये बैक साइड पे जो एरिया है वो दिया गया है। इसके साथ साथ ये इसका मेन डोर है। जैसे ही मेन डोर से हम एंटर होते हैं, आपको बड़ा स्पेशियस साइज़ का यहाँ पर एक ड्राइंग डाइनिंग के हवाले से एक बड़ा हॉल, और इसके साथ ये देखें, ये बड़ा स्पेशियस साइज़ है। एक्स्ट्रा लैंड को जिस तरीके से यूज़ किया जा सकता है वो हम आपको इसका इंटरनल प्लान के मुताबिक आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं। ये सामने बाउडर रूम दिया गया है और ग्राउंड फ्लोर पे जबकि एक बेडरूम दिया गया है। ये इस विला का किचन है यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर जो दिया गया है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, इसका काफ़ी स्पेशियस साइज़ है। सेम इसी तरह ऊपर के फ्लोर पे जैसे ही हम आते हैं तो हमें यहाँ पर एक स्पेशियस साइज़ का एक लाउंज देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ ये इसकी विंडो है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यहाँ पर दो बेडरूम्स दिए गए हैं, आउटर टेरेस, और इसके साथ यहाँ पर एक किचन की स्पेस दी गई है। सो व्यूअर्स, ये इस विला का था इंटरनल प्लान, कॉर्नर विला के अंदर जगह को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, और हर कॉर्नर विला की जो एक्स्ट्रा लैंड के ऊपर डिपेंड करता है उसका इंटरनल प्लान विला का। तो व्यूअर्स, बहरिया टाउन कराची में अगर आप भी अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।